हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, जहां मिस्र की यात्रा पर आज प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हो चुके हैं। तो पीएम मोदी दो दिन के राजकीय दौरे पर हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे के बाद पहली राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद काहिरा में पीएम मोदी का आज जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली राजकीय यात्रा पूरी हो गई है। अब मोदी 24 जून यानी कि आज अफ्रीकी देश मिस्र की यात्रा पर रहेंगे। मिस्र और भारत दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं रही हैं। मिस्र का नया नाम इजिप्ट है और पीएम मोदी वहां दो दिन राजकीय दौरे पर रहने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी वॉशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हो गए। इधर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजिप्ट की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी पीएम मोदी के साथ मीटिंग करेंगे, वार्तालाप होगा। साथ ही भारत और दोनों इजिप्ट दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं और इन दोनों के आपसी संबंध 4000 साल से भी पुराने हैं। सदियों से हमारे समुद्री संपर्क रहे और खास तौर पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हुए, मजबूत हुए। तो इजिप्ट में हर कोई भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है। आपको ये भी बता दें कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें बॉलीवुड फिल्में देखने का बहुत चाव भी है। वहाँ के लोग ये भी जानते हैं कि भारत और इजिप्ट ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए मिलकर काम किया था। भारत के राष्ट्रपिता माने जाने वाले महात्मा गांधी इजिप्ट के लोगों के दिल में भी बसे हैं। वे लोग महात्मा गांधी और साद जगलौल के बीच घनिष्ठ मित्रता को याद भी करते हैं। आपको बता दें कि इजिप्ट के लोग भारत से करीबी बनाए रखना चाहते हैं और ऐसे में पीएम मोदी की राजकीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों में और नजदीकियां लेकर आएगी। बिल्कुल, और नजदीकियां लाएगी। इसी के चलते ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का जो आखिरी दिन है, बलिदान स्तंभ की नींव पत्थर रखकर शहर लौटेंगे दिल्ली। तो अमरनाथ यात्री की तैयारियों को लेकर ये बैठक होनी है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि शाह श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की नींव रखने वाले हैं। इसके बाद दिल्ली लौट आएंगे और केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को बताने के लिए अमित शाह दो दिवसीय दौरे के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। वहां इसी दौरान आगामी अमरनाथ यात्रा की जो सुरक्षा है, उनकी तैयारियां हैं, उसको लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक की गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। साथ ही अमित शाह ने तीर्थ यात्रियों के ठहरने और सुरक्षा के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया है। बालटाल आधार शिविर का दौरा करने के बाद गृह मंत्री राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करते नजर आए हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में गुर्जर, बकरवाल, संड और पहाड़ी समुदायों के लोग शामिल हैं। हालांकि इस वीवीआईपी दौरे को देखते हुए जो सुरक्षा बल है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो फिलहाल आपको बता दें, आज आखिरी दिन है दौरे का। इसके बाद दिल्ली वापस लौट आएंगे अमित शाह। इधर चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर, शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन इस वक्त है। कार्यक्रम में 25,000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राजनाथ सिंह चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। शाम को 4 बजे सेक्टर 34 के प्रदर्शनी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसकी तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम से एक दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए तय रूट पर भी अभ्यास किया गया था। इस दौरान सेक्टर 34 में कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान भी चलाया गया। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तय रूट पर पुलिस अभ्यास और सुरक्षा तैयारियों को लेकर यातायात को रोकना पड़ा। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको ये भी जरूर बता दें कि शहर में तो नो फ्लाइंग जोन के चलते ड्रोन उड़ानों पर भी पाबंदी लगा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये रैली 25,000 लोगों के जुड़ने के साथ ऐतिहासिक होगी। साथ ही प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह भट्टी ने यह भी कहा कि तैयारियों के पूरे होने के साथ ही कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। 2024 के चुनाव को देखते हुए यह विशाल रैली कार्यकर्ताओं में
जोश भर देगी। बिल्कुल चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, इसके बीच तमाम तैयारियां भी हमने आपको बताई हैं, किस तरीके से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ड्रोन यहां पर बैन कर दिए गए हैं, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। 25,000 से ज्यादा लोग आज जुटेंगे, इसका लक्ष्य भी कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया है। तो शाम को 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरी तरफ पानीपत के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज रैली को संबोधित करेंगे अनुराग ठाकुर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बीच लोगों के साथ मौजूद होंगे और इस रैली में कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने प्रदेश भर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और ग्रास रूट लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करना चाहती है। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शेड्यूल होने लगे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पानीपत की नई अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस संबोधन में उनका साथ देंगे। इस रैली से करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र में सियासत जो है और सियासी गर्मी जो है वो दोनों तेज हो गई है। दरअसल 2024 का जिक्र जरूरी हो जाता है, लोकसभा चुनाव और इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होने, यही वजह है कि अभी से प्रदेश में राजनीतिक पैरामीटर हाई हो चुका है। तो कांग्रेस जहां जन मिलन कार्यक्रम कर रही है तो बीजेपी भी केंद्र की मोदी सरकार के काम के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रही है। उसी कड़ी में बीजेपी की करनाल लोकसभा क्षेत्र की रैली पानीपत की नई अनाज मंडी में आज होनी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसके मुख्य अतिथि होने वाले और इसकी जो अध्यक्षता है वो सीएम मनोहर लाल करेंगे। रैली के संयोजक करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया होंगे। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो गणमान्य लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो महाजनसंपर्क अभियान जो है बीजेपी का लगभग 1 महीने तक चलेगा और इसी को लेकर तमाम लोकसभा सीटों को खंगाला जा रहा है। चलिए इस बीच खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री 1,000 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण करने वाले हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर जोर शोर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मौजूद रहेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां 1,000 बेड के अस्पताल का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके बाद मेला ग्राउंड में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। इधर सीएम के ग्वालियर आगमन को लेकर गोडसेवादी हिंदू महासभा ने भी ऐलान कर दिया। हिंदू महासभा अनेकों जगहों पर काले झंडों से सीएम का स्वागत करने वाली है। इस बारे में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक क्षेत्र में काम करने का दावा करती है, जबकि ग्वालियर में मंदिरों की जिला प्रशासन की उपेक्षा की जा रही है। इधर चामुंडा धाम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बावड़ी के चारों ओर बाउंड्री सहित विकास की अनेकों बार घोषणा जरूर की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर दौरा हर लिहाज से बेहद खास हो जाता है। तो सिंधिया का गढ़ माना जाता है और इसी को लेकर अब तैयारियां भी जोर शोर से। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी पटना से दे रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बार नहीं रहे हैं, एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। नीतीश ने कहा कौन कहां लड़ेगा फैसला होगा। नीतीश कहते नजर आए 10 या 12 जुलाई को शिमला में अगली बड़ी बैठक होगी, इसके कयास पहले ही लगाए जा रहे थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के नेता साथ आएंगे, ये कहना है खड़गे का। हिंदुस्तान में अतिक्रमण किया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अतिक्रमण कर रही। तो फिलहाल पटना से बहुत से आंदोलन शुरू हुए हैं। राहुल गांधी ने भी बात कही थी, ममता बनर्जी कहती नजर आई बीजेपी की तानाशाही सरकार चल रही है, ये ममता का कहना था। एकजुट होने के नीतीश के लिए बड़ी कामयाबी होगी, महबूबा ने भी अपने विचार रखे। तो विचारधारा अलग है लेकिन देश बचाने के लिए हम एक साथ आएंगे, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। विपक्षी दलों का साथ आना मामूली बात नहीं है। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं।
और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी। आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को और आज जो बैठक हुई देशभर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और हम लोग इकट्ठा सब कोल भील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं उनके फौज को और इनको इस बात का तय है, गए ये लोग, बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का नरेंद्र मोदी का। वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है। बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। कई हमारे साथी ने इस स्थिति में क्या हुआ, किस पर ध्यान दे दिया, ये सब बात आप सबको बताइए। आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इधर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली आने की संभावनाएं बड़ी खबर बता रहे हैं। संसद भवन की बैठक में देख सकते हैं, बैठक में कई अहम विषयों पर मंथन किया जा सकता है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे संसद भवन की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, बैठक में कई अहम विषयों पर मंथन होगा। तो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली आने की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। संसद भवन में बैठक ले सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे जानकारी जुटानी है, कुछ पे जानकारी देनी है, तमाम विषयों पर विचार मंथन होगा। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत से सब वाकिफ हैं, उठापटक की स्थिति बनी हुई है, तमाम चीजों को लेकर विचार मंथन किया जाना है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज का दिन दिल्ली के लिए खास होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली आ सकते हैं, बैठक में शरीक होंगे। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी दिल्ली में रहने वाले हैं। पायलट जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज दिल्ली में कांग्रेस की एक बार फिर से बड़ी बैठक होगी और बैठक में बीजेपी को घेरने को लेकर चर्चा संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी बैरंग लौट चुके हैं, यानी कि स्वदेश वापस आ गए हैं। इसके बाद बैठकों का सिलसिला एक बार फिर से जारी। सचिन पायलट को अपने पाले में मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ रोके रखने का पुरजोर प्रयास चल रहा है। तो फिलहाल सचिन पायलट, जिनके इस वक्त रवैये से सभी वाकिफ हैं, पार्टी आला कमान से नाराजगी तो है ही, अशोक गहलोत से उनकी बनती नहीं है, ठनी रहती है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि आज फिर से
सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद होंगे, राहुल गांधी से एक बड़ी मुलाकात। इधर बड़ी खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर होगा एयर शो। जी हां, सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर का रूट डायवर्ट किया जाएगा। वायुसेना के अधिकारी ने इस बाबत निरीक्षण किया। अगर मौसम रहा खराब तो 25 जून को होगा एयर शो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर रूट 24 से 25 जून के लिए डाइवर्ट रहने वाला है। यहां जयसिंहपुर के अरवल कीरी करवत में एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स से जंगी जहाज उतरेंगे और एयर शो ये तैयार होगा, एक कार्यक्रम होगा। तीसरी बार वायुसेना के अधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण किया है। वहीं हवाई पट्टी पर होने वाले एयर शो की तैयारियां अंतिम दौर में। डीएम जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और सेना के तमाम अफसर अरवल किरी करबत गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप का निरीक्षण कर चुके हैं। इधर आपको ये भी बता दें, डीएम ने बताया है कि इसी रनवे पर एयर शो होना है। इसकी तैयारियां यूपीडा की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अगर मौसम खराब रहा तो 25 जून को एयर शो कराया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से आयोजन स्थल पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, इंतजाम किए गए हैं। ये भी बताया गया है 24 जून को वायुसेना के अधिकारी जंगी जहाजों हेलीकॉप्टर के साथ तैयार रहेंगे। बिल्कुल, पट्टी पर विमान उतारने और उड़ान भरने का पूर्वाभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को लेकर सेना से जुड़े अधिकारी एयर स्ट्रिप पर पहुंच गए। तो फिलहाल सेना के अधिकारियों ने सारंगपुर में स्थित राजकीय आईटीआई में अपना ठिकाना बनाया है। जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम संजीव कुमार यादव सेना के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी है, एयर शो का था अगर आपको इंतजार तो वो घड़ी आ चुकी है। 24 तारीख को अगर मौसम रहा खराब तो 25 जून को होगा एयर शो। तो इस बीच आपको बता दें कि मुंबई में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, आईएमडी मुंबई में हो गई है मूसलाधार बारिश, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कर दी है। तो मानसून अब मुंबई पहुंचने की संभावना है। तो मानसून रायगढ़, ठाणे, मुंबई और पालघर की ओर आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। माना जा रहा है कि मॉनसून के 24 जून यानी कि आज मुंबई में पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो भारतीय मौसम विभाग मुंबई ने कहा कि दक्षिण में मूसलाधार बारिश, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून की शुरुआत हो चुकी है। संवहन स्थितियों के विलंबित प्रभावों के कारण दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कुछ राज्यों में अगले कुछ घंटों के लिए बारिश और तूफान की चेतावनी को जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 जून को देश में मॉनसून की शुरुआत पर अपडेट दिया था। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों से आगे बढ़ गया है। तो आईएमडी ने कहा है कि गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ और हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के शेष हिस्सों में आज बारिश हुई है। तो गर्मी से थे परेशान और बारिश का था इंतजार, तो झमाझम बारिश की फुहारे अब पड़नी शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के बयान से यह साबित होता है कि आज देश गलत दिशा में जा रहा है। ओबामा के बयान से साफ है कि देश में आज स्थिति सामान्य नहीं है। मणिपुर हिंसा और पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह के हालात हैं, उन परिस्थितियों में विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। अच्छी शुरुआत हुई है। राहुल जी ने मीटिंग ली वहाँ अलग से भी। मैं समझता हूँ कि ये शुभ संकेत है, आने वाले वक्त में इसकी जरूरत भी है। आम जनता चाहती है कि विपक्षी एकता हो, उसी रूप में मैं समझता हूँ कि जो फैसला हुआ है, सब लोग एक मंच पर आए हैं, तो ये अपना बहुत शुभ संकेत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मौलाना फरंगी महली ने बोलते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना पॉसिबल ही नहीं है, और सिर्फ मुसलमान ही यूसीसी के विरोधी नहीं है, सभी धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं।
संविधान ने सबको मजहब पर अमल करने की आजादी दी है। तो मौलाना फरंगी महली का ये बयान अपने आप में ये तो संकेत कर रहा है कि यूसीसी की राह इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। ना सिर्फ अपना जिक्र किया है बल्कि और मजहब के बारे में बताया कि सबका अपना अपना कानून होता है। अब देखना ये होगा कि कैसे ये यूसीसी लागू हो पाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।